बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उसका फ़ायदा हुआ? जब यूपी में हर दो घंटे में बलात्कार हो रहा है, क्या उसका फ़ायदा हुआ राम मंदिर का, जब हर दो घंटे में यूपी में बलात्कार होता है? नमस्कार, आदाब, सलाम, मेरा नाम है गुलाम रजा खान और आप देख रहे हैं हिंद क्लिक न्यूज़। दिल्ली के लिए एक संशोधन बिल केंद्र सरकार लेके आई है जो कल सदन में पेश किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने उस बिल को सदन में पेश किया था। उस बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी एवं कांग्रेस ने दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन किया। उसी प्रदर्शन को थोड़ा सा हवा देते हुए आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पे अपना विरोध प्रदर्शन किया और अपनी एक तरह से कहे तो ताकत दिखाई। इन्हीं में आम आदमी पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता है जो 9 साल की है, आइए उससे हम बात करते हैं। वो किस लिए शामिल हुई है और उसकी क्या कहना है? क्या नाम है बाबू? संदीपनी मिश्रा। संदीपनी, एक बात बताओ, आप क्यों यहाँ पर शामिल हुई हो प्रदर्शन में? कल संसद में मोदी जी ने और बीजेपी पार्टी ने एक ऐसा कानून लाए थे चुपके से, जिसमें सीएम से ज़्यादा ताकत, सीएम से ज़्यादा पावर एलजी के हाथों में होगी। जितनी भी फाइल्स जाती हैं सीएम के सीएमओ ऑफिस में, वहाँ पे सारी एलजी के पास पहले जाएंगी। तो उसके प्रोटेस्ट में, उसके विरोध में हम यहाँ पे आए। आपको लगता है कि आपको विरोध करने से और आपको प्रदर्शन में इतनी कम उम्र में शामिल होने से आपको कुछ इफेक्ट पड़ेगा, सरकार सुनेगी? बहुत पड़ेगा। पड़ेगा कैसे पड़ेगा, उसका मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि जब हमारा आज़ाद देश आज़ाद हो रहा था अंग्रेज़ों से, तब भी हमने ऐसे ही प्रोटेस्ट किए थे। तब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसी की वजह से आज हम प्रोटेस्ट। अच्छा, अगर आपको कोई संदेश देने को बोला जाए कि मोदी जी को और गृह मंत्री को संदेश दीजिए दिल्ली के, खास करके जो खास करके बिल लेके आया गया है केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार के विरोध में एक तरह से कह सकते हैं बिल लाइए, तो आप क्या मैसेज दोगे? मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि 2014 में जब आपकी पार्टी बनी थी, तब आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और आपके अच्छे दिन 10 साल से जुमला बन के इधर उधर बिखरे पड़े हैं। और आपने एक और बात बोली थी कि हम तो फ़कीर हैं, झोला उठा कर चल जाएंगे। तो मोदी जी, आप उठा लो झोला, आ रहा है मफलर वाला, आपके आप अपना झोला उठा लीजिए। आपके झोले में कुछ नहीं दिखाया हमें, आपके झोले में जितने भी अच्छे दिन थे, जितने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थे, वो सब आपका झूठ जुमला चला गया है। तो आपको हम इसलिए जाना चाह रहे हैं, आप उठा लीजिए अपना झोला, आपने कुछ काम नहीं किया है तब से अब तक, आपने सब जुमले ही बोले हैं। आपने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उसका फ़ायदा हुआ? जब यूपी में हर दो घंटे में बलात्कार हो रहा है, क्या उसका फ़ायदा हुआ राम मंदिर का, जब हर दो घंटे में यूपी में बलात्कार होता है? जब अगर वहाँ की लड़कियाँ निकलें तो उन्हें लगे कि हाँ, हम अपने भाई भाइयों के बीच में जा रहे हैं, बहनों के बीच में जा रहे हैं, तब हम सोचेंगे कि आपने कुछ काम किया है। संदीपनी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर दो घंटे में एक बलात्कार हो रहा है, मोदी जी आप झोला उठाइए और चले जाइए। यह था संदीपनी का बयान। हिंद क्लिक के लिए गुलाम रजा खान।